गिरा गया ये? यस सर। ओए, क्यों वापस आया? क्यों है? चैलेंज कर रहा मुझे? बस सर, तेरी औकात भी नहीं है, लिख के ले ले, फिर वापस जाएगा। फकिंग लूजर, चल मेरे पर। चल 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 चल। Hey, you fucking shammer! Get up! What the fuck are you doing again? Finish, get up! किसे नहीं होगा? चैलेंज दिया है, ढेपड़ी छोड़ेगा। मेरा गुरूर नहीं है, मेरी जिद है, ये हद में नहीं, ये बेहद है। मेरा गुरूर नहीं है, मेरी जिद है। ये क्या करेंगे, एक ही बार में चड्डी उतर गई इनकी। जिद है, जिद है, जिद है। बिजनेस ट्रेनिंग कैसी चल रही है? रात को खाना नहीं खाया क्या? आवाज क्यों नहीं निकल रही? अभी क्यों आया? 10 मिनट और सो लेता, दुश्मन की नींद भी पूरी हो जाती। साहब वो ठंडे पानी से बुखार आ गया तो आंख नहीं खुली। बुखार आ गया? वेरी सैड। इसे बुखार आ गया है, क्या करना है? इसका सजा देनी है या छोड़ देना है? किसे किसे लगता है छोड़ देना चाहिए? हाथ उठाओ। 1, 2, 3, 3 लोग। तेरी पॉपुलैरिटी बहुत खराब है। कोई नहीं, इसे छोड़ देता हूं। तुम तीनों आ गया हो, चले फॉलन। सिकंदर साहब। जी साहब। रगड़ो इन्हें। जी साहब। यूनिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गलती में यूनिटी पूरी फौज पूरे देश पे भारी पड़ सकती है। एम आई क्लियर? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो, तो यस बोल दिया। दौड़ करना शुरू करो एंड जोड़ शुरू करो। जब दुश्मन को बोलेगा छोड़ दे, सीधा खड़ा। उस्ताद पानी, पानी चाहिए उस्ताद। ये गटर का पानी है, क्या हुआ? पियो पियो। शाबाश। गुड, कैसा लगा? उस्ताद ये तो गटर का पानी नहीं लगा। यस, ये विटामिन वाटर है, हमने बस टेस्ट करना था। गुड जॉब। सोच ले एक बार, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? मौके की सोचूं अपनी जान की? यार वो इंसान नहीं, जल्लाद है यार। रात को सोने से पहले थुकाई शुरू हो जाती है, सर पे पानी डाल देता है सोते सोते। ये देख, देख इसे, पूरा मिर्ची से रगड़ दिया एक झपकी के पीछे। कौन करता है ऐसे? दुश्मन। सामने वाला तुम्हें टॉर्चर तुम्हारे मुताबिक नहीं करेगा। तुझे तो टॉर्चर बहुत पसंद है ना, तभी तो दोबारा वापस आया। तो सही कर रहे हो, यहाँ से भाग कर जंग के मैदान से भागने से अच्छा आज यहीं से कट लो। वही कर रहा हूँ। जॉय, माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। वैसे भी बहुत मामूली सी चोट है। दीप, तुम सिर्फ मुझे एक बात बताओ,
कब तक तुम्हारी हर खबर हमें सूर्या से मिलती रहेगी? अरे माँ, कुछ बताने को था ही नहीं, क्या बताता आपको? तेरे लिए कोई भी बात बताने लायक होती ही नहीं है। अपनी जिद के आगे तो कहाँ किसी की सोचता है। माँ ऐसा कुछ नहीं है, परेशान नहीं करना चाहता था आप लोगों को, इसलिए कुछ नहीं बताया। यहाँ बैठ के तेरे बारे में सिर्फ सोचते रहने में कौन सा सुकून है यार। बस कीजिए ना यार, वही एक बात पे आप अटक गए एकदम। अब हमारे बारे में भी सोचो। टाइम हो गया है दीप। किस चीज का टाइम हो रहा है, क्या सोच लूं? शादी कब करेगा, घर कब खरीदेगा? यार ठीक होके डिस्चार्ज होके यूनिट ज्वाइन करनी है। बस वही करता रहे तू, फैमिली कब शुरू करेगा बता। माँ दीप, हर चीज का एक सही हेलो सिस्टर। यस सर। यूरिनरी बैग भी उतार दो। श्योर सर। इनफ इज इनफ दीप। हर फौजी की लाइफ का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ब्लडी आंसर भी, रूल्स को फॉलो करना। और तुमने एक और रूल तोड़ा। डू यू थिंक इट्स फनी? आई एम श्योर इसके पीछे भी तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अगर मैं आपसे पूछता तो आप परमिशन तो नहीं देते सर। और आपका जाना तो निहायत ही जरूरी होगा आई अज्यूम। सरकारी खर्चे से तुम्हारी अय्याशी नहीं चल सकती मेजर दीप सिंह सेंगर। मैं भी तो वही कह रहा हूं सर, मेरे यहां कोई जरूरत नहीं है। I'm okay. Okay? Then prove it. मैं तुम्हें 15 दिन देता हूं। Prove it that you are fit enough to be discharged from the hospital and join the unit. Okay, sir, I will do that. क्या लगता है? वुंड अभी हील नहीं हुआ है, पूरी तरह रिकवर नहीं होने दिया तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। मेडिकेशन कंटिन्यू रहेगी जब तक रिपोर्ट्स कंप्लीटली नॉर्मल ना हो जाए। सर, यस प्लीज। आपसे एक बात पूछनी थी, आपको इसी ऑफिसर में इतना इंटरेस्ट क्यों? बिकॉज ही इज स्पेशल डॉक्टर, ही इज वेरी स्पेशल। मैंने जानबूझकर उसको 15 दिन का चैलेंज दिया है। मुझे पता है दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन उसे शांत रखने का और कोई तरीका था नहीं मेरे पास। ही कांट बी ऑफ ड्यूटी इवन फॉर अ डे। शुक्र है, आप तो मानते हैं कि 15 दिनों में ये करना इम्पॉसिबल है। आई नो डॉक्टर, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। क्लास, ये अल्जेब्रा का लास्ट लेक्चर है, कल से हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके, मैम फोन करके पूछ सकते हैं क्या? साल वो किस क्या पिछले साल की तरह फेल हो जाओगे। इतने महीने हॉस्पिटल की बोरियत झेलने के बाद शादी का माहौल अच्छा लगा, लेकिन ये चेंज भारी पड़ गया। कमांडिंग ऑफिसर को मेरे लौटने से पहले ही खबर हो गई। अब मेरे पास 15 दिन ही है जिसमें पता चलेगा कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूं या फिर यूनिट में। ये तो होना ही था मेजर साहब, किसने कहा था कि हॉस्पिटल से बिना परमिशन के भाग कर आ जाओ। अब करो 15 दिन का चैलेंज पूरा। वैसे जितना तुम्हें जाना है लगता है कि तुम यूनिट जाए बिना मानोगे नहीं। ये चैलेंज तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम तो मेरे मिशंस से भी ज्यादा डेंजरस और चैलेंजिंग है। मैथ्स कैसे कर लेती हो ये मैथ्स? मुझे तो कभी समझ नहीं आया, और तुम तो लगती हो काफी स्ट्रिक्ट। पता नहीं बेचारे स्टूडेंट्स का क्या हाल होता होगा। बट आई स्टिल एनवी देम। सब्जेक्ट चाहे कितना भी बोरिंग हो लेकिन टीचर इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट तुम पहले इंसान नहीं हो जिसे मैं इंटरेस्टिंग लगती हूँ। वैसे मेरी स्माइल भी बहुत क्यूट सी है, शायद तुमने ठीक से नोटिस ही नहीं किया। आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स वीक है मेजर साहब। ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं, कॉन्वर्सेशन स्किल्स का डेफिनेटली प्रॉब्लम है। इसकी ट्रेनिंग नहीं देते यहाँ SF में। सिर्फ तुम्हारी स्माइल ही नहीं, तुम्हारा डांस भी नोटिस कर लिया था मैंने। बेसिकली तुम वो सब कर लेती हो जो मैं नहीं कर पाया। पर मैं ठहरा फौजी, सारे कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, सॉल्व कर पाओगी?